क्लास ट्वेल्थ का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ था, फिजिक्स का आज एग्ज़ाम था आपका, और क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि आज कैसा कैसा प्रश्न पूछा है, तो उसी को हम लोग जो आंसर होगा, जो सही इसका उत्तर होगा, उसको चलिए हम लोग समझते हैं, देखते हैं। अभी हम लोग केवल आंसर की को डिस्कस कर रहे हैं कि इसका सही उत्तर क्या होता है। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है इप्सनोड का विमीय सूत्र है ना, इप्सनोड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इप्सनोड, तो इसका सही उत्तर होता है ये आपका दूसरा वाला, ये दूसरा वाला सही हो जाता है, ये सही है। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस के स्थिर वैद्युतिकी के नियमानुसार कौन सा सही होता, तो ये दूसरा वाला सही होता है ना, ये दूसरा होता कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्यू बाई इप्सनोड के बराबर होता है, ये दूसरा वाला सही होता। यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम्ब ऑफ चार्जेज, 2 कूलम्ब आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये दूसरा वाला सही होता, दूसरा वाला ये सही है, 1.25 × 10^19 होता। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए, देख प्रश्न कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ्ड, अगर आधी कर दी जाती है तो इसकी धारिता होती है, यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टिकाओं के मध्य की दूरी आधी कर दी जाती है तो याद रखना है इसे जो धारिता है, इसे जो धारिता है वह दोगुनी बढ़ जाती है, यानी कि इसका पहला वाला सही होता है, यानी कि पहला वाला दोगुनी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न कहता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज, किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है, तो यह होता है आपका नियत, यह कौन सा सही होता है, स्थिर या फिर नियत सही होता, कॉन्स्टेंट या फिर स्थिर, यह सही होता, और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता था, तो यहां पर स्थिर सही होता। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, देखिए ये क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेरी विथ डिस्टेंस आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र एवं विभव दूरी आर के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होती है, तो याद रखना है विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो 1/r³ से परिवर्तित होता है और पोटेंशियल जो है वो 1/r² से परिवर्तित होता है, तो कौन सा सही होता है, ये चौथा वाला 1/r³ and 1/r², तो चौथा वाला सही हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर था 6 का चौथा। अगला क्वेश्चन में अगर चलते हैं, किरकॉफ्स लूप रूल इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो किरकॉफ का पास नियम मतलब द्वितीय नियम, दूसरा वाला नियम किस राशि के संरक्षण के नियम पर की सीधी परिणति है, तो ये इनर्जी होता है, कौन सा होता है, इनर्जी, तो इसका सही उत्तर होता है इनर्जी, ऊर्जा सही उत्तर होता है ना, ये आपका सातवां नंबर का। आठवां नंबर कहता है देखिए, अ चार्ज्ड पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग का मान दिया हुआ है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू दिया हुआ है, इट्स मोबिलिटी मतलब म्यू का मान ज्ञात करना था, विद्युत क्षेत्र में इतना वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, आवेशित कण का अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है, भेडी दिया हुआ है इतना, तो गतिशीलता ज्ञात करना है, तो इसका सही उत्तर होता है आपका दूसरा वाला, 2 × 10^6 m² प्रति वोल्ट प्रति सेकंड, ये दूसरा वाला सही होता। अगला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फोर्स एफ वैक्टर ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाई, तो कोई एक चुंबक के क्षेत्र बी सदिश में एल लंबाई का एक धारावाही चालक रखा हुआ है, जैसे एक धारावाही चालक रखा हुआ है, तो चुंबक के बल किस प्रकार से दिया जाता था, तो चुंबक के बल का सूत्र हम लोग पढ़ते थे एफ बराबर होता था ILb sin θ, और इसी को सदिश रूप में लिख देते हैं हम लोग एफ बराबर ILb sin θ है ना, तो कौन सा सही होता है इसका उत्तर, तो ये सही होता इसका तीसरा वाला ILb। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, अ सर्कुलर कोयल ऑफ रेडियस 10 cm हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करेंट ऑफ 3.2 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल इज, हिंदी में कहता है 100 फेरों वाली 10 cm त्रिज्या की एक वृत्तकार कुंडली में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबक के क्षेत्र होगा, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबक के क्षेत्र ज्ञात करना था, हल करना था, तो इसका सही उत्तर होता है ये पहला वाला 2.01 × 10⁻³ टेस्ला, ये सही होता आपको। 11 नंबर का आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको,
निम्न में से कौन सा चुंबक की क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है उसको पता करना है हम लोग को, है ना, कौन सा सही नहीं है उसको पता करना है। तो कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर याद रखना है कौन सा सही नहीं है, तो किसी चुंबक की क्षेत्र रेखाओं की सतत बंद लूप बनती है, ये तो सही बात है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा जल्दी करने के लिए चौथा वाला सही होगा, यानी कि नहीं है, मतलब ये गलती है। तो चुंबक क्षेत्र रेखाएँ अनिश्चित स्थितियों में एक दूसरे को काट सकती हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ और चुंबक क्षेत्र रेखाएँ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। तो ये गलत लिख रहा था, तो कौन सा सही नहीं है ऐसे करके पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन कहता है द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन साइड अ बार मैग्नेट, तो कोई चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र रेखाएँ होती है, तो ये होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, यानी कि इसका दूसरा सही होता है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आता है द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज रूट थ्री टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डीप मतलब डेल्टा का वैल्यू चाहिए था, इसका आपका उत्तर हो जाता 60 डिग्री। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का रूट थ्री गुना है, तो इस स्थान पर नमन कोण क्या होगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑफ एन टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड इज बी इज, क्षेत्र बी के समानांतर इसके तल के साथ रखे गए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए के एन फेरो की कुंडली के साथ जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स होता है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स होता है एन ए बी, ये सही होता है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, किसी चुंबक के क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा कौन से नियम से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखना है इसका फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स इज इंक्रीज टू टाइम्स द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो यहाँ पर कहता है यदि प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या प्रत्येक में दो गुना बढ़ा दी जाती है तो अनन्य प्रेरकत्व तो क्या होगा, तो यह होता है चार गुना बढ़ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस चार गुना बढ़ जाएगा, यह सही होता है उसका। अगला क्वेश्चन कहता है अ 100 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगा उसका, तो इसका यह सही होता है 2.2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन में अगर चला जाए तो श्रेणी एलसीआर परिपथ में एलसीआर सर्किट है, वोल्टता और धारा के मध्य का कला कोण होगा, तो फेज एंगल क्या हो जाता है, तो यह सही होता है tan phi बराबर XL माइनस XC / R होता है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस विद्युत चुंबक की तरंग की आवृत्ति महत्तम होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो गामा रेज का, गामा किरण की। अगला क्वेश्चन डैश इज यूज फॉर फोटोग्राफी इन फोग, तो फोग यानी कि कुहासा में या कोहरा में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होती है, इन्फ्रारेड या फिर अवरक्त किरण, क्या होता है अवरक्त सही होता। अगला क्वेश्चन अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज फॉर्मड इन, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो किसमें बनता है अवतल दर्पण में बनता है, किसमें बन जाता है अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन क्या आता है द इमेज फॉर्मड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो हम लोग को मालूम है काल्पनिक और सीधा होता है, वस्तु की ओर ही बनता था, है ना, तो काल्पनिक और सीधा हो जाता है, इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या आता है विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तरंगदैर्ध्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है घटता है, तो इसका दूसरा सही होता है डिक्रीजेस घट जाता है। अगला क्वेश्चन द सेकंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वॉज गिवन बाय, तो द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसने दी थी, तो हाइगेंस ने दिए थे, हाइगेंस का सिद्धांत से पता चलता था द्वितीयक तरंगिका का। टू वेव्स हुज इंटेंसिटीज आर इन द रेशियो 9:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी, दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है तो व्यतिकरण उत्पन्न करता है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा, तो यह हो जाता सही उत्तर इसका 4:1। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, देख कहता है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज, तो इसका सही उत्तर होता √3। कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक है, तो क्या सही उत्तर होता √3। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज मिनिमम वर्क फंक्शन, तो कौन सा धातु का सबसे न्यूनतम कार्यफलन है, निम्नलिखित में से किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है, तो इसका सही उत्तर होता बेरियम, है ना, कॉपर भी नहीं होगा, आयरन भी नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरियम। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 28 द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय 24 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट इज,
25 वोल्ट और 36 वोल्ट द्वारा त्वरित दो इलेक्ट्रॉनों से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्यों का अनुपात है। तो इसका सही उत्तर हो जाता 6/5। कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6/5। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। द बोर मॉडल ऑफ एटम्स, तो बोर मॉडल जो है परमाणु का, तो उसके लिए सही होता ये पहला वाला। एज्यूम्स दैट एंगुलर मोमेंटम एल बराबर एन एच बाई 2 पाई, ये नहीं पढ़ रहे थे, एम बी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई, तो ये पहला वाला सही होता। देख लेते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। परमाणुओं का बोर मॉडल पहला नंबर सही हो जाएगा, मानता है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय वेग क्वांटीकृत होता है। तो कौन सा सही है? वो वाला सही था। ऐसे यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट RH, तो रिडबर्ग नियतांक का ऐसे मात्रक है, तो इसका सही मात्रक होता है प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? प्रति मीटर। तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन क्या आता है देखिए। मीन लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 100 सेकंड, देन इट्स हाफ लाइफ इज, हिंदी में क्या आता है? एक रेडियो एक्टिव नमूने का औसत आयु 100 सेकंड है, तो उसकी अर्धायु होगी, तो उसकी अर्धायु हो जाएगी 69.3 सेकंड। कितना? 69.3 सेकंड। अगला क्वेश्चन कहता है इन रेडियम, उसका परमाणु संख्या दिया हुआ है और द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर और आपको मास नंबर दिया हुआ है, तो यहां पर पूछ रहा क्या है? तो 138, आप इससे इसको घटा दीजिएगा, आपको न्यूट्रॉन का संख्या मिल जाएगा, 138 न्यूट्रॉन और 88 प्रोटॉन, तो इसका दूसरा वाला सही हो जाता है ना, इसके नाभिक में है, तो क्या सही हो जाएगा? दूसरा वाला, 138 न्यूट्रॉन होगा और 88 प्रोटॉन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है जेनेट डायोड फंक्शन से, तो जेनेट डायोड हमेशा रिवर्स बायस्ड कंडीशन पर काम करता है, जेनेट डायोड हमेशा पश्च बायस्ड की स्थिति में काम करता है, दूसरा वाला ये सही हो जाता है। चलिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेसिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, तो जब भी तापमान बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, वो घटता है, डिक्रीजेस, ये सही होता है चौथा का दूसरा। तो ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको पढ़ लेते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार अर्धचालक इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज, तो एन प्रकार अर्धचालक तब बनता है जब अपमिश्रक जो परमाणु होता है वो क्या होता है? पेंटावेलेंट, पंचसंयोजी परमाणु जब मिलाया जाता है तब वो बनता है। देखिए यहाँ पर 35 हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आपको याद रखना है ये परीक्षा का एग्जाम, ये जो फिजिक्स का जो परीक्षा है ये आपका हो चुका है, तो इसका जो हो गया सो चला गया, जो बात बीत गई सो गई, आपको अपने अगले परीक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना है, तो इसको छोड़िए, जितना भी नंबर आ रहा है बढ़िया बात है, अब आगे वाला आने वाला परीक्षा की तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए देखने के लिए थैंक यू, और इसी तरह से हम लोग नया जो जो सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसको हम लोग लाएंगे, आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।